प्रश्नावली 15.2 ऐच्छिक पहला प्रश्न, दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से शनिवार तक। प्रत्येक द्वारा दुकान के किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम समप्रायिक हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर, पहला प्रश्न, एक ही दिन जाएंगे, दूसरा है क्रमागत दिनों में जाएंगे, और तीसरा भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। यहाँ माना कि टी बराबर मंगलवार ट्यूसडे, डब्लू बराबर बुधवार वेडनेसडे, टी एच बराबर गुरुवार अर्थात थर्सडे, एफ बराबर शुक्रवार फ्राइडे, और एस बराबर शनिवार अर्थात सैटरडे। निरूपित करते हैं तो हम मंगलवार से शनिवार तक के दिनों को किस प्रकार से लिख सकते हैं, जबकि पहला लेटर, पहला अक्षर पहले व्यक्ति द्वारा विशेष दुकान पर जाने को दर्शाता है और दूसरा दूसरे व्यक्ति द्वारा। तो हमारे संभाव्य परिणाम होंगे टी टी अर्थात पहला व्यक्ति शाम ट्यूसडे को जाए और दूसरा व्यक्ति एकता ट्यूसडे को जाए, और इसी प्रकार टी डब्लू अर्थात पहला व्यक्ति मंगलवार को जाए और दूसरा व्यक्ति बुधवार को जाए। तो हमारे संभाव्य परिणाम इस प्रकार हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी टी, टी डब्लू, टी एच, टी एफ, टी एस, या डब्लू टी, जिसको हम ऐसा समझेंगे कि पहला व्यक्ति बुधवार को जा रहा है और दूसरा व्यक्ति मंगलवार को जा रहा है। तो डब्लू टी, डब्लू डब्लू, डब्लू टी एच, डब्लू एफ, डब्लू एस, या टी एच टी, पहला व्यक्ति थर्सडे को जाए और दूसरा ट्यूसडे को जाए, टी एच डब्लू, इस क्रम में अगला होगा टी एच टी एच, दोनों व्यक्ति गुरुवार को जाएं, टी एच एफ, टी एच एस, अगला क्रम समझते हैं, जबकि पहला व्यक्ति शुक्रवार को जाए तो क्या होगा, एफ टी, एफ डब्लू, एफ टी एच, एफ एफ, या एफ एस। अब यदि पहला व्यक्ति शनिवार को जाता है तो क्या क्या बने हमको प्राप्त होते हैं परिणाम, एस टी, एस डब्लू, एस टी एच, एस एफ, एस एस। तो ये हमें संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं मंगलवार और शनिवार के मध्य, ये हमें संभाव्य परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात इन संभावित परिणामों की संख्या बराबर 25 है। तो यहाँ संभावित परिणामों की संख्या बराबर 25 है। हमने क्या किया, हमने सभी संभाव्य परिणामों को लिखा और हम देखते हैं कि उन संभावित परिणामों की संख्या 25 के बराबर है। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि जब दोनों एक ही दिन दुकान पर जाएंगे, इसका क्या अभिप्राय होगा, इसके अनुकूल जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे। जब दोनों एक ही दिन दुकान पर जाएंगे तो हम अनुकूल परिणामों को लिखते हैं। इसमें जो स्थिति हो सकती है वो स्थितियां हो सकती हैं कि टी टी अर्थात दोनों मंगलवार को जाएं, तो पहली स्थिति होगी टी टी, दूसरी स्थिति होगी डब्लू डब्लू, दोनों व्यक्ति बुधवार को जाएं, वेडनेसडे को जाएं, और इसी प्रकार टी एच टी एच, एफ एफ, और एस एस। तो हम यहाँ देखते हैं कि
पांच स्थितियां ऐसी हैं जो हमें दिखाती हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही दिन दुकान पर जाएंगे तो अनुकूल है। तो यहाँ प्रायिकता क्या होगी, 5/25। हम देखते हैं कि दोनों एक ही दिन दुकान पर जाएंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है। हम ज्ञात कर चुके हैं कि यहाँ संभावित परिणामों की संख्या 25 है, इसलिए प्रायिकता होगी 5/25 अर्थात 1/5। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है कि जब दोनों क्रमागत दिनों में जाएंगे, क्रमागत दिनों में जाएंगे अर्थात यदि पहला व्यक्ति ट्यूसडे को जाता है, मंगलवार को जाता है, तो दूसरा व्यक्ति वेडनेसडे को जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमें जो अनुकूल परिणाम होंगे वो देखिए किस प्रकार से मिलेंगे। ये होगा या तो TW या WT, WTH या THW। इसी प्रकार से संभावित परिणाम होगा THF या FTH। ये क्रमागत जाने के लिए हम क्रमागत दिनों में जाने के लिए हम संभावित परिणामों को लिख रहे हैं, और या FS या SF। तब दोनों व्यक्ति क्रमागत दिनों में जाएंगे, तो यहाँ अनुकूल परिणामों की स्थितियाँ संख्या हम देखते हैं 8 के बराबर है, अर्थात यहाँ अनुकूल स्थितियाँ जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो 8 के बराबर है। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हम जानते हैं अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या होती है, तो यहाँ अभिष्ट प्रायिकता होगी 8/25 के बराबर। तो इसलिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बराबर 8/25 होगी। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में जब दोनों भिन्न भिन्न दिनों में दुकान पे जाएंगे तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक में से हम घटा दें जब दोनों एक ही दिन दुकान पे जाएंगे। तो हम यहाँ कौन से सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, हम सूत्र का उपयोग कर रहे हैं कि PA बार बराबर है 1-PA। तो क्या हमने देखा यहाँ कि जब दोनों भिन्न भिन्न दिनों में दुकान पर जाएंगे तो प्रायिकता बराबर होगी 1-, जबकि दोनों एक ही दिन दुकान पर जाएंगे। प्रायिकता बराबर है जब दोनों भिन्न भिन्न दुकानों पर जाएंगे तो प्रायिकता बराबर है 1-, जब दोनों एक ही दिन दुकान पर जाएंगे। यहाँ हमने कौन से सूत्र का प्रयोग किया है, यहाँ हमने सूत्र का प्रयोग किया है PA बार बराबर है 1-PA, इस सूत्र का प्रयोग किया है। अब हम प्रश्न एक में ज्ञात कर चुके हैं कि प्रायिकता जबकि दोनों एक ही दिन दुकान पर जाएंगे वो 1/5 के बराबर है, तो ये प्रायिकता हो गई 1-1/5 अर्थात 4/5।